सभी को नमस्कार। आज हम एक इंजेक्टर टेस्ट करेंगे, इसका पार्ट नंबर है 497। तो आपको दिखाते हैं कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग। ये हम लोग का टेस्टिंग मशीन है और ये सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इधर जाके हम लोग सिलेक्ट करेंगे कौन सा कंपनी का इंजेक्टर है। पहले सिलेक्ट करेंगे, ये बॉस का इंजेक्टर है तो बॉस का सिलेक्ट करने को है हम लोग को। उसके बाद पार्ट नंबर डालने को है इधर में, तो पार्ट नंबर लहा लास्ट में 497। ये रहा 497, यस CRI 2.2। तो हम लोग अभी फिटिंग करेंगे इसको। फिटिंग कर लेते हैं, तो हमने फिटिंग कर लिया। अभी फिटिंग करने के बाद ये सब लगाना पड़ता है। ये हो गया आपका बैक का पाइप, ये हो गया पल्स का, ये सेंसर का, फिर ये डायरेक्ट लाइन है और इसमें नोजल रहता है, इसमें जो फायरिंग का तेल निकलता है वो अंदर में जाता है। तो हम लोग का ये कवर ढक्कन है, इसको टाइट कर लगाना है। तो अभी हम लोग पहले क्लीन रन करेंगे। क्लीन रन में क्या होगा, अंदर का जो अगर कोई कचरा रहेगा, जो इसका हवा रहेगा तो निकल जाएगा, तभी हम लोग को पता चलेगा ठीक से तो प्रॉब्लम क्या है। तो देखते रहिए आप। अब ये टेस्टिंग हो जाएगा। इसमें चार इंजेक्टर रहते हैं। ये है आपका टाटा का 1109 गाड़ी और ये रहा आपका पार्ट नंबर, शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 0445110497। अभी क्लीन रन हो रहा है। ये होगा पल्स, आपका 2000 में पल्स है और रेस्पॉन्स टाइम ऐसा आता है। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। ये हो गया आपका टाइमेट IST मशीन, जो एनी BS4 का आपका इंजेक्टर टेस्ट कर सकता है। अभी देखिए इसमें जो आपका रिजल्ट आया, रुकिए, तो स्टॉप हो गया। अभी देखिए वोल्टेज भी डाउन है हम लोग का। इसमें देखिए जो स्टैटिक क्लिक है 192.5 आ रहा है, तो इसमें आना चाहिए था 40 ±40, तो लगभग 80 या तो 0 से लेके 80 तक मैक्सिमम, तो उतना आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो इसका मतलब ये है ये इंजेक्टर बैग है, तो इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आता है, तो दूसरा भी टेस्ट करेंगे। आप रुकिए, दिखाते हैं आपको। हम अभी वोल्टेज डाउन है तो इसलिए एक ही कर पाएंगे, और इसमें ये पहले से पता चल गया कि इसमें इतना बैग है, तो आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है बाकी टेस्ट करके। पहले इसी को बैक को ठीक करना है, तो सबसे मेजर कारण है ये होने से गाड़ी राउंड लेगा और स्टार्ट होने से भी गाड़ी चलेगा नहीं, थोड़ा चल के बंद हो जाएगा। तो ये इसी प्रॉब्लम के कारण ऐसा करना पड़ता है। तो आगे और भी वीडियोस आएगा, उसके लिए कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू।